بين الله رب العالمين إرشاد ما فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. कोई आदमी कितना भी ये समझे कि मरने के बाद हमको नेक अमल का सवाब मिलेगा, नेकियां तो करते हैं बदला मिलेगा, लेकिन अगर वो तौहीद केवल नहीं रखता, उसका ईमान दुरुस्त नहीं है, उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो अल्लाह ताला उसकी कोई इबादत कबूल नहीं फरमाएगा। तौहीद ये बुनियादी शर्त है। कितने लोग शिर्क करने वाले भी अपने हिसाब से अपने माबूद की इबादत करते हैं, अपने खालिक मालिक की इबादत करते हैं। अल्लाह की इबादत में तौहीद ये बुनियादी शर्त है। तौहीद के बगैर अगर अल्लाह की कोई इबादत करता है, अल्लाह के साथ दूसरों को भी सजदा करता है, अल्लाह के साथ दूसरों को भी हालत और मुश्किल कुशा समझता है, कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म फरमाया, फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़म्बिक। इस बात का इल्म हासिल कीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।